हेलो लवली पीपल, इट्स मी एलेक्स ब्लूम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जोमसो हॉल, बिकॉज अब दिवाली आने वाली है और दिवाली में भाई शॉपिंग ना हो, अच्छे अच्छे कपड़े ना लिए जाए, वो भी ट्रेडिशनल वाले दिवाली मनाने के लिए, तो ऐसे भाई दिवाली फीकी पड़ जाती है। तो मैंने सोचा कि भाई ज़्यादा बजट मेरा हाई नहीं जाना चाहिए, .com देखनी चाहिए कि भाई ज़्यादा कहीं आपको पड़े ना, बट कि आपके घर सारे के सारे प्रोडक्ट्स आए और आपको बस क्या करना है, आपको बस तैयार होके घर पे अच्छे से फ्लॉन्ट करना है, पिक्चर्स खींचनी है, फैमिली के साथ एंजॉय करना है। विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो मैंने जो कलर चूज किए हैं वो मैंने अपनी स्किन टोन के हिसाब से किए हैं। मुझे तो हर चीज पसंद आ रही थी, बट फिर मेरा दिमाग चल गया कि मैंने कहा नहीं यार, जो चीज आप पे सूट करती है वो यूज करना ज्यादा बेटर है, रादर देन बस ये अच्छा लग रहा है लो उसे बाय कर लेते हैं, राइट। अगर आपको स्किन टोन के बारे में नहीं पता है कैसे कौन से कलर आपके ऊपर सूट करते हैं, तो मेरे ऊपर मैंने इन फ्यूचर वीडियो बनाई, तो मैं आई बटन पे जरूर डाल दूंगी, तो सो दैट आप उसे देख के समझ जाए कि कौन सी स्किन टोन है आपकी और सूट आप पे करता है, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके ड्रेसेस देखते हैं जो मैंने मंगाई है, एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। मतलब दिवाली में मैं रौनक करने वाली हूँ। पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक और सारे खाने पीने की चीजें ले लीजिए। एज यू नो, इंडियन लड़कियां साड़ी फ्लॉन्ट करने में सबसे अच्छी रहती है, राइट। तो साड़ी सबसे पहला हमारा लुक है, एंड मैं थोड़ा सा शिल्पा शेट्टी की एक पिक्चर थी उससे इंस्पायर्ड थी, तो मैंने कहा ऐसी ही मुझे साड़ी चाहिए और वो jomso.com पे मिल गई, एंड आई वाज लाइक रियली हैप्पी कि बहन अब तो ले ले तू, अब पीछे नहीं हटेगी तू। तो प्राइस वॉज डिसेंट, मुझे अच्छी लगी साड़ी। के बारे में मुझे चार चीजें अच्छी लगी, पहला प्रिंट काफी अच्छा था, दूसरा हल्की थी बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने अपने भाई की सगाई के लिए पहनने के लिए ली थी, तो मुझे ये चाहिए था कि भाई आधे टाइम में साड़ी लेके ऐसे भागू ना। तीसरा मुझे बहुत अच्छी चीज लगी, दैट इज कि भाई इसका जो बॉर्डर है वो काफी अच्छा था। चौथी चीज जो मुझे अच्छी लगी, दैट इज कि भाई ब्लाउज का कपड़ा काफी ज्यादा बड़ा दिया गया था और उसके साथ साथ वो कपड़ा है ना गड़ता नहीं था, क्योंकि मेरी स्किन पे अगर हल्की सी भी गड़ने वाली चीज लग गई तो वो छिल जाती है, तो वो प्रॉब्लम नहीं चाहिए थी। एंड मुझे पसीना आता है तो और ज्यादा चिड़चिड़ हो जाता, तो वो चीज नहीं दी थी। अगर आप मेरी तरह बस्टी गर्ल है तो आपको जो ब्लाउज का कपड़ा है वो काफी बड़ा है, आराम से आप कितना भी बड़ा उस पर ब्लाउज सिलवा सकते हो। एंड मैंने पूरा दिन एंजॉय किया। एक प्रॉब्लम थी कि मैंने जो हील्स पहनी थी दैट वॉज लाइक रियली प्रॉब्लमैटिक, बट उसके अलावा साड़ी वॉज अमेजिंग। दूसरा आउटफिट जो मैंने चूज किया था दैट वाज लहंगा, एंड यहाँ पे मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया था बिकॉज इट वाज पिंक लहंगा जो कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। तो मेरे दिमाग में एक आया कि भाई आकांक्षा गोल्ड में चूज कर, इसका वॉर्म गोल्ड में होना चाहिए बिकॉज तेरे ऊपर गोल्ड ज्यादा बेटर लगता है। बाय चांस आपको नहीं पता कि भाई कौन सी ज्वेलरी आपके ऊपर ज्यादा बेटर लगती है, गोल्ड या फिर सिल्वर, तो मैंने एक वीडियो बनाई है ज्वेलरी हॉल की, उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि कौन से कैसे, मतलब आप जांच कर सकते हो कि सिल्वर आप पे अच्छा लगता है या गोल्ड अच्छा लगता है या फिर दोनों ही अच्छे लगते हैं आप पे। तो लहंगा आते हैं, अब लहंगे में मुझे एक चीज अच्छी लगी कि भाई उसके ऊपर गोल्ड का जो वर्क किया गया था जरी का, वो बहुत प्यारा था। ये तो बहुत अच्छी चीज है, तो आई वॉज सो हैप्पी विद द पिंक कलर, एंड मैंने इसे भैया की शादी में पहना था, एंड आई वॉज लाइक लुकिंग लाइक अ प्रिंसेस। जानती हूँ मैं खुद की तारीफ कर रही हूँ, बट मुझे सबने कॉम्प्लीमेंट दिया उस दिन, एंड मैंने उसके ऊपर ज्यादा हैवी ज्वेलरी नहीं पहनी थी, अमेजन से मैंने वो ज्वेलरी मंगाई थी जिसकी हॉल वीडियो मैंने ऊपर दे दी है आई बटन में आपको, एंड बहुत ही अच्छा लाइक कलर फ्लो अच्छा था उसका, हल्की थी ज्यादा भारी नहीं थी, क्योंकि जब लहंगा बहुत ज्यादा भारी हो जाता है ना आप ऐसे चलते हो, तो वो चीज बिल्कुल नहीं थी उसके अंदर, एंड आई वॉज हैप्पी विद इट। बस एक चीज था, बैठने उठने में हल्का सा प्रॉब्लम हो रहा था बिकॉज डाला गया था, उसकी वजह से मैं बैठने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, मैं ऐसे कर रही थी और धमाक करके बैठ रही थी, तो वही एक प्रॉब्लम थी, उसके अलावा कुछ भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई लहंगे में। इसका भी ब्लाउज काफी अच्छी लेंथ का दिया गया था, बस्टी गर्ल्स भी आराम से इससे अच्छा ब्लाउज बना सकते। जब आप इसका ब्लाउज सिलाएंगे तो पैटर्न बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि पिक्चर में जो पैटर्न दिखाया था वही सेम पैटर्न मुझे चाहिए था, बट यहाँ पे जो फ्लो है ना वो सही से आ नहीं रहा था, तो उसके अंदर आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा जो सिलने वाला है उसे कि भाई यहाँ पे प्लीट्स सही तरह से आनी चाहिए। तो मैंने एक टिप आपको दे रही हूँ कि यहाँ पे जब आप प्लीट्स बनवा लेंगे तो उस प्लीट्स को एक दूसरे के साथ है ना सिलवा देना, उसे ऐसे ही मत रख देना, नहीं तो वो प्लीट्स है ना अजीब सी लगने लग जाएगी। तो ये एक पर्सनल टिप है आप लोगों के लिए जो कि मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने 3 बार उस ब्लाउज को सिलवाया, तो आई नो हाउ इट वेंट, बट लुक बहुत अमेजिंग था, मुझे पूरे दिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, एंड फिटिंग बहुत अमेजिंग थी। थर्ड जो आउटफिट मैंने मंगाया था दैट वॉज दिस
सॉरी ये वाला आउटफिट नहीं था, बेसिकली आपको इस आउटफिट की डिटेल चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, या फिर आप मेरा इंस्टाग्राम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मैं स्क्रॉल लगा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मेरा इंस्टाग्राम पे मैं क्या क्या चीजें करती हूँ, वहाँ पे एक अलग ही दुनिया है। तो अगर बाय चांस आपने मेरा इंस्टाग्राम नहीं अभी तक चेक किया है तो नीचे जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे फैशन टिप्स देती हूँ और बहुत सारे फन वीडियोज भी और फोटोज भी वहाँ पे शूट्स की डालती रहती हूँ। तो बैक टू द टॉपिक, अब जो तीसरा जो लहंगा मैंने मंगाया है उसका कलर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बिकॉज उसी लहंगे की चुन्नी मैंने यूज की है। अगेन इसके अंदर जो मैंने वर्क चुना दैट वॉज गोल्डन, बिकॉज मेरे ऊपर गोल्डन ज्यादा सूट करता है और रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अच्छा है, रिस्क लो, अच्छे तरह से लो, बट ज्यादा मत लो, कोई भी बेवकूफी मत कर बैठो, क्योंकि आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो मेरी तरह। तो मुझे गड़ने वाला बिल्कुल कपड़ा नहीं है, इवन नेट का कपड़ा इतना सॉफ्ट है। उसी के साथ साथ जो इसकी स्कर्ट दी गई है दैट इज लाइक वाओ आकांक्षा, मतलब कहाँ से तूने चूज कर लिया, मुझे भी ऐसा लग रहा था जब मैंने ये पैकेट खोला। तो उसके ऊपर जरी का वर्क काफी अच्छा है। द ओनली प्रॉब्लम आई हैड विद दिस लहंगा वो ये था कि मुझे इतनी स्लीव चाहिए थी और इसकी बस इतनी सी थी, तो आई वॉज लाइक रियली डिसअपॉइंटेड बाय दिस। बट कोई बात नहीं, अगर आप चूड़ियां पहन रहे हो पूरे हाथ में तो फिर वो उतना नजर नहीं आएगा, बट मुझे इतनी चाहिए थी तो वो वही दिल में एक चुप रहा है मेरे भाई। इसको तो मैं दिवाली पे ही पहनना है क्योंकि बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये कलर बहुत अच्छा सूट कर रहा है मेरे ऊपर, लाइक रॉयल वाला पूरा लुक आ रहा है। .com से शॉपिंग कर रहे हो तो भाई एक ध्यान रखना कि आपकी स्किन टोन पे मैच करना चाहिए वो आउटफिट, दूसरा उसकी पूरी डिटेल्स पढ़ लीजिएगा, और तीसरा कैश ऑन डिलीवरी अगर अवेलेबल है तो भाई पैसे खर्च कर रहे हो तो आराम से कैश ऑन डिलीवरी यूज करो। मुझे तो अपनी शॉपिंग से बड़ा सैटिस्फाइड महसूस हो रहा है, आई एम लाइक रियली हैप्पी विद द स्टफ कि भाई मैंने ट्राई किया एटलीस्ट, बट रिस्क नहीं लिया ज्यादा। तो अगर आपको कोई मुझे फीडबैक देने है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, मुझे आप लोगों से बात करने में बहुत खुशी होती है। साथ साथ में आप लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन आइकन दबाना भूलना मत।